झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए एक खुशखबरी आई है। सरकार ने दिव्यांग छात्रों के लिए रिसोर्स टीचर और थेरेपिस्टों की बहाली की प्रक्रिया एक निजी कंपनी को दे दी है। लेकिन जहां एक और दिव्यांग छात्रों के लिए खुशखबरी है, तो दूसरी तरफ दिव्यांग छात्रों की पढ़ाने के लिए जिन अनुबंध कर्मियों की बहाली होनी है, उस अनुबंध कर्मियों से अब जो है घूस मांगा जा रहा है। जी हाँ, हम ये नहीं कर रहे हैं, दरअसल एक ऑडियो वायरल हो रहा है और इस ऑडियो वायरल में क्या कुछ कहा जा रहा है हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि रिसोर्स टीचर और थेरेपिस्ट जो होते हैं, जो दिव्यांग छात्र होते हैं, दिव्यांग छात्र जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, सुनने में असमर्थ होते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं, इनको पढ़ाने के लिए जो है एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति की जानी है। और इस विशेष शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो है सरकार ने एक निजी कंपनी से करार किया है, जिसका मुख्यालय जो है रांची के फिरायालाल चौक पे है। लेकिन हम आगे बताते हैं कि किस तरह से उसके एक कर्मचारी जो अपने आप को संबंधित कंपनी का कर्मचारी बताता है और अपना नाम अमरनाथ बताता है, लेकिन अमरनाथ नाम का जिस शख्स ने एक अभ्यर्थी से किस तरह उसको अपने झांसे में लेकर 1,20,000 रुपये प्रति सीट जो है बात कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर सरकार जो है जिस निजी कंपनी को रिसोर्स शिक्षकों की बहाली के लिए जिम्मा सौंपा है, आखिर उसके कर्मचारी जो है इतने भ्रष्ट है, तो जो चयन प्रक्रिया होगी, कैसे शिक्षक जो है, कैसे ये दिव्यांग लोगों के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए जिन शिक्षकों का चयन करना है, उन शिक्षकों के चयन में आप समझ सकते हैं कि उनकी चयन प्रक्रिया किस आधार पर, जब पैसे की डिमांड की जा रही है 1,20,000, तो जो मेरिट वाले शिक्षक होंगे उनकी कहीं ना कहीं जो है अनदेखी की जाएगी, और मेरिट वाले जो शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं इस भर्ती प्रक्रिया में अनुबंध पे शामिल नहीं हो पाएंगे या उनको नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि जिन दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने की जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार ने ली है और राज्य सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है और दिव्यांग छात्रों को पढ़ाने के लिए रिसोर्स शिक्षकों की बहाली की जा रही है, उसकी चयन प्रक्रिया में कहीं ना कहीं धांधली बरती जा रही है। और इस धांधली को रोकने के लिए हम आज एक मुहिम चला रहे हैं और आप भी हमारे मुहिम से जुड़िए कि कैसे झारखंड के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए सरकार तो एक अनुबंध पे बहाली प्रक्रिया तो निकाल दी है, लेकिन इसमें जो धांधली बरती जा रही है उसको कहीं ना कहीं रोका जाए। स्वदेश वाणी भी इस मुहिम में शामिल हो रहा है और दिव्यांगों के साथ खड़ा है और दिव्यांग छात्रों के लिए इस मुहिम को लगातार चलाता रहेगा। हेलो, हाँ नमस्कार सर। हाँ वीरेंद्र जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे तो मैसेज किए थे सर ज्वाइनिंग के लिए, तो कैसे कैसे हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा सर। मैसेज हम भी किए थे, 1,20,000 रुपये डोनेशन लग रहा है, जो लेके आएगा उसका काम होगा। तो किनको देना होगा सर? हेलो, आवाज नहीं आ रही सर। आपका नेटवर्क नहीं है क्या सर? आवाज नहीं आ रही है आपका। ठीक है, अच्छा स्टार्ट हो गया है, हो रहा है इसका मतलब। और इसमें कुछ नहीं है, एक रिज्यूम हमको व्हाट्सएप कर दीजिए जी, हम आपका इंटरव्यू करा देंगे। जी जी ठीक है जी। इंटरव्यू के बाद देखते हैं आपको कौन सा ब्लॉक है कौन सा नहीं, पहले चयन प्रक्रिया करेंगे। अच्छा तो क्या उसका केवल रिज्यूम देना होगा? हाँ खाली रिज्यूम। अच्छा अच्छा, हम तो देखे तो बहुत सारा है उसमें पोस्ट, हम तो रिसोर्स टीचर के लिए सोच रहे थे। अपने लिए कि किसी और के लिए? अपने लिए सर। दूसरा हुआ घर आपका? हजारीबाग हुआ मेन टाउन। तो 10 सीट है पूरा हजारीबाग में। अच्छा हजारीबाग में मात्र 10 हो गए सर। हमको लगता है 4-5 को तो आज अपना पैसा वैसा दे कर सीट बुक कर लिया। तो मतलब क्या मतलब पैसा भी लग रहा है सर? पता कर लीजिए ना, मतलब क्या अति रिज्यूम आपको देंगे, उसके बाद इंटरव्यू लेगा ना सर? हाँ इंटरव्यू के बाद हम आपसे पर्सनली मिल के बात करेंगे इस काम धाम पर। हाँ सर, इंटरव्यू के बाद उसका प्रोसेस होगा। अच्छा बोल रहे हैं ना सर, जैसे हम तो किसी को और नहीं बताए हैं, हम अपना रिज्यूम भेज देते हैं। ठीक है सर। और तो यहाँ जो नेतागिरी करेगा वो भी जानते हैं आज क्या हुआ है। जी जी जी। एक कौन पावेल कुमार या क्या नाम है? पावेल कुमार का जैसा नहीं हमको मालूम सर। नेतागिरी कर रहा था बेटा, विरोध कर रहा था, खुदे सा ज्वाइन कर रहा है।
अच्छा वो भी ज्वाइन कर रहा है? हाँ, पैसा देकर ज्वाइन कर रहा है, बताइए तो। अच्छा अच्छा, नेतागिरी कर रहा, विरोध कर रहा था, समझे ना? जी जी जी। अच्छा, चुपे चुपे सारा ज्वाइन कर रहा है आदमी। अरे देखिए, एक बात बता दे रहे हैं। जी सर, जी सर, यहाँ मार्केट में मिसगाइड करने वाला बहुत मिलेगा आपको। हाँ सर, सही बात, इसीलिए हम डायरेक्ट फोन किया सर। आपको बरगलाने वाला 50 आदमी मिलेगा। जी जी, ठीक है, और आपको सही काम करने वाला आदमी कड़क बोलेगा आपको। हाँ हाँ, और हम कभी भी जालसाजी फंसाने वो सब का काम नहीं, क्लियर कट है। आप जाकर जय पीछे में पता करिए जी, हमारे एजेंसी को काम मिला है कि नहीं बहाली करने का। जी जी जी, ठीक है, उसके बाद आप सारा कुछ पता करके आ सकते हैं हमारे सर पास। हाँ सर, हाँ तो आप आइए कल सुबह को। सर मेरा एक सीट रख दीजिएगा सर। आप आइए ना, पक्का रख देंगे, आइए, लेकिन लेकिन आना होगा कल के कल। हाँ सर, तो आएंगे, और जैसे थोड़ा बहुत बोल देते तो हम उसी के हिसाब से जाते सर, मतलब हम तो पैसा नहीं करके। सुनिए ना, हम तो अभी पैसा नहीं मांग रहे हैं आपको, 5 रुपया। नहीं 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 बोले, लेकिन बोल रहे हैं इंटरव्यू करिए पहले, बोल रहे हैं। जी सर, हाँ इंटरव्यू तो क्वालिफिकेशन जांच करेंगे ना सर जी। जी जी जी, RCI है कि नहीं, सब पेपर जांच करेंगे जी, ऑनलाइन जांच करेंगे, तभी तो हम आगे आपसे डील करेंगे। जी जी जी, ये सब बात जेन्युइन बात है। जी जी, आप कितने साल का रहे सर? कितने साल का टेंडर मिला है सर आपको? 4 साल का। अच्छा, 4 साल का ना सर, 4 साल बहुत होता है जी। हाँ सर, 4 साल बहुत होता है, उसके बाद आगे बढ़ेगा ना सर, ऐसा बात थोड़ी को इतना ही रहेगा। BRP लोग अभी 3 साल से काम कर रहा है। जी जी, लोग DNM के थ्रू बहाली किए थे 375 को। हाँ हाँ, अभी कर रहा है कि नहीं, अभी किसी को निकाला है क्या? नहीं नहीं, कहाँ से निकालेगा अभी तो, मतलब उसका फिर आगे बढ़ता है ना, उसका होता है क्राइटेरिया, वो फिर आगे बढ़ेगा टेंडर वो? नहीं, फिर उसके बाद रिटेंडर होता है। हाँ हाँ, रिटेंडर होगा तो फिर होगा, तो हो सकता है कि दूसरा कंपनी को मिल जाए। अरे नहीं सर, जैसे हम लोग काम किए रहेंगे तो एक्सपीरियंस रहेगा ना सर, और जैसे आपका भी रहेगा, आपका भी एजेंसी का रहेगा एक्सपीरियंस, तो थोड़ा सा ज्यादा उसमें ये मिलेगा। हम आपको गारंटी दे रहे हैं, आपको कोई नहीं हटा पाएगा लाइफ टाइम, है ना सर? कोई नहीं हटा पाएगा, क्यों? क्योंकि काम कर रहे हैं विभाग। जी जी, एक्चुअली ये लोग क्या करता है ना जी, सरकारी अनुबंध में है। हाँ, ये लोग काम कम करता है, नेतागिरी ज्यादा करता है। नेतागिरी ज्यादा करता है, और आंदोलन उन्दोलन नहीं देखते हैं, कहाँ धरना प्रदर्शन इतना जल्दी जल्दी करता है कि, तो इसीलिए तो यही आउटसोर्सिंग नाम का चिड़िया पैदा हुआ। हाँ सही बात, एकदम सही बात बोला सर। आपको अगर विभाग रखा है तो कंडीशन में रखा है ना जी, अनुबंध किया है आपको। जी जी, कि आपको मतलब धरना प्रदर्शन करने का छूट दिया है, बोलिए। नहीं, आपको तो काम के लिए रखा है। और आप सुनिए, इसमें अनुबंध में ही शुरू में ही तो स्पष्ट लिख देता है कि भैया ऐसा ऐसा रहेगा। हाँ हाँ, करना चाहते हैं तो आइए, नहीं तो जाइए जाइए। हाँ, अगर आप जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं जी जी, उसके बावजूद धरना प्रदर्शन कीजिएगा। हाँ हाँ, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट सरकारी अनुबंध है तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, हाँ है ना, इस अगर ये लोग इस तरह का, खासकर पारा टीचर लोग, हाँ अगर इतना धरना प्रदर्शन नहीं करता ना तो आउटसोर्सिंग कभी आता ही नहीं। सही बात, इतना बहुत ज्यादा उसका धरना प्रदर्शन करता है सर, महीने महीने तो देखते रहते हैं पेपर में, देखना सर, एक एक महीना तक धरना में बैठा ले, यहाँ राजभवन घेर रहा है तो कभी विधानसभा घेर रहा है तो कभी सचिवालय घेर रहा है। सही बात बोले सर, फायदा होगा किसी को इससे? किसी को नहीं, गवर्नमेंट को। एक ही बात बताइए सुरेंद्र, नाम होना। हाँ सर, हाँ सुरेंद्र, एक ही बात बताइए सुरेंद्र जी। हाँ सर, अभी तो JPSC में पूरा गड़बड़ी हुआ है, पूरा गड़बड़ी हुआ है, सही बात, और इसी सब जान रहा है, उसका मंत्री भी जान रहा है गड़बड़ी हुआ है, लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या है? फाइनल रिजल्ट सही है, फाइनल रिजल्ट तो यही है कि लड़का ज्वाइन करेगा, ज्वाइन कर लेगा वो, सही बात है, इधर हल्ला करते रहिए। लोकल गवर्नमेंट है ना, बहुत मजबूत सरकार है। सही बात, मजबूत सरकार तो है, ये चीज तो है, हम खुद इसका वोट मारे हैं सर। है ना,
हर काम को नंबर ही होगा, समझे ना, लेकिन होगा, लेकिन लोकल आदमी का होगा, लोकल आदमी का होगा। तो इसमें भी इसीलिए हम सर आपसे हम आग्रह करते हैं सर, हम हजारीबाग का एकदम टॉनिक है और टाउन का है, लेकिन देखिए भाई, हाँ सर, टाउन में सीट खाली है, नहीं खाली है, कोई गारंटी नहीं, दूर छोड़िए सर, हमको टाउन में मत चाहिए लेकिन ब्लॉक में चाहिए, लेकिन एक सीट आपको दिए एकदम मर्द वाला जवान, हाँ मतलब एक सीट हमको एकदम चाहिए। और बता दे रहे हैं यहाँ तो 292 का सीट है मात्र, हाँ हाँ, और झारखंड से RCI रजिस्टर्ड लगभग 5500 है। अच्छा 5500, हाँ 5500 को नौकरी देना सब पॉसिबल है? ना सर वो इससे कुछ नहीं मिलेगा, नहीं है 5500 तो वैकेंसी है, नहीं 292 को है हम लोग पास, हाँ। तो भी बहुत बड़ा ये है, ये मौका है, एक बात बता दे रहे हैं, और एक बात बताना चाहेंगे, हाँ हाँ, 350 करोड़ का फंडिंग है साल का जी जी इस डिपार्टमेंट को, मतलब दिव्यांग वाले डिपार्टमेंट को, हाँ हाँ, 350 करोड़ का, तो एक ब्लॉक को कितना जा रहा है भैया, तो 1.5 करोड़ का सालाना फंडिंग है, हाँ हाँ, लेकिन अगर आप बीओ को अगर चरा लीजिएगा तब मान के चले कि 20-30 लाख रुपए साल का कमा लीजिएगा, हाँ हाँ, बीओ को अगर चराने सकिएगा तो काहे कि साला बीओ लोग होता है, चराने का मतलब वो भी खोज रहा होगा, वही ना पूरा खा जाता है, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वही खा जाता है, तो अब उसको कंट्रोल करना आपका जिम्मा, आप लोकल आदमी है वहाँ का, हाँ तो ब्लॉक में तो वही बीओ ही मेन रहता है ना, तो सारा कुछ फंड वगैरह तो उसी के में आता होगा, उसी के अंडर में, नहीं फंड का यूज करना तो रिसोर्स टीचर को यूज करना है ना वो पैसा को, हाँ हाँ हाँ, तो 1.5 करोड़ रुपया बताइए कम होता है, नहीं सर बहुत ज्यादा होता है, एक साल में भी ना सर, एक साल में कहाँ खर्चा कीजिएगा जी वो पैसा को, सही बात सर, आप बिल बना बना के देते जाइए और बीओ को बोले कि भैया आप भी चुपचाप पैसा लीजिए और हम भी हमको भी खाने दीजिए, हाँ सेटिंग करना सीखिए, हाँ सर, जियो और जीनो दो नीति में रहेंगे क्या, 10 लाख दो तुम, 10 लाख खाओ हमको, 5 लाख लेने दो, हाँ इस नीति में अगर चलिएगा ना सर, हाँ सर, और ऊपर से कोई अगर दिक्कत होगा ना आपको बीओ का, कोई अगर आपको तंग कर दिया ना, हाँ जगन्नाथ महतो तो अपना आदमी, जगन्नाथ महतो अपना आदमी है एकदम, आपका आपका सर, मेरा नहीं हम उसका आदमी है भाई, अच्छा, अब उसका पीए सुधीर को पूछ लीजिएगा हमारे बारे में, कितना आना जाना है मेरा मंत्री आवास, जी 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 ठीक है, तो वो सब का टेंशन नहीं है, एकदम निश्चिंत रहे, अभी 3 साल जो सरकार चलेगा इसके बाद हो सकता है बीजेपी का आ जाएगा, अरे वो आएगा उस समय छोड़िए सर, अभी जितना दिन तक अभी 3 साल तक रहेगा सर, अभी 3 साल तक इसको कोई नहीं छू सकता है, कोई नहीं छू सकता, और 3 साल में राजा बन जाइए सब, हम तो सीधा बोल रहे हैं, जितना लोकल आदमी को हम यही रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा तो सिल्ली बता दिए घर अपना, अच्छा सिल्ली हुआ आपका घर सर, सिल्ली आपका नाम क्या हुआ, शुभ नाम सर, उमाकांत, उमाकांत सर, ठीक है, तो ऐसा है ना कि हम लोग हम सुदेश महतो का आदमी है एक्चुअली, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन जब सरकार बदलता है ना, हाँ हम लोग भी पलटी मार रहे हैं सर, ना तो जरूरी है सर, मान के चलिए पैसा कमाने के लिए उस अभी तो वो होता क्या बोलते विपक्ष में है, तो अभी तो उधर से तो कुछ काम वगैरह मिलता नहीं होगा, नहीं तो वहाँ से भी काम हमको मिलेगा, लेकिन आप बताइए छोटा मोटा नाली खाली का टेंडर लेके हम क्या करेंगे, क्या करेंगे उस समय, कितना ऐसा माथा मारे कीजिएगा सर, सर उस सब में जानते हैं खर्चा ज्यादा है कमाई कम है, समझे ना, उस सब में कहा होता है ना कमाई तो बस उतने है कि आप 10 आदमी को बैठ के दारू पिला सकते हैं, इतने होता है, इतने होगा, सही बात है, और कुछ नहीं है, ये टेंडर फेंडर वाला ही नाली रोड और तालाब ये सब में हमको फायदा नजर नहीं आता है, अरे सब में जैसे नाली भी कुछ गड़बड़ बना थी, इधर इंजीनियर अलग से, विधायक और पंचायत सेवक को अलग से वो सब अपना ये करता है, फिर सबको मैनेज कीजिए, हाँ तो वही बोलूँ कि एक से एक उधर फिर आएगा, तो फिर आपको बचा का, फिर बचा का, सही बात है, ये सब टेंशन वाला बात हो जाता है, इसीलिए मैं
जो काम करिए तो सटीक करिए। देखिए हम बहाली वाला काम करते हैं, तो बहाली ऐसा ऐसा है ना, अब भी चौंक जाइएगा। मैं सर आपका कंपनी नाम जुड़ना चाह रहे हैं पूरा एकदम। ये तो सर एक बात बता रहे हैं, ये तो छोटा मोटा काम है, बहुत छोटा काम है, लेकिन अभी ओपन नहीं होंगे, लेकिन जिस दिन आप हमको जान जाइएगा ना अच्छे से, बोलिएगा कि भाई आपके साथ हम जिंदगी भर काम करेंगे। हाँ सर इसीलिए बोल रहे हैं, जैसे एक बार अभी जुड़ जाएंगे, अभी जैसे बात विचार से ही लग रहे हैं कि मतलब ऐसे मैडियर आदमी है, मतलब जैसे बात कर रहे हैं। आपका काम में हम जुड़ जाएंगे सर, तो एक दूसरे पर भरोसा बढ़ते जाएगा, विश्वास बढ़ते जाएगा। और आपका काम करेंगे जी, उसके बाद आपके लोगों का काम करेंगे। आपका काम में आपको कमाई नहीं मिलेगा, ठीक है? हाँ, लेकिन आपके लोगों का काम में आपको कमाई दिखेगा। जी जी ठीक है, क्योंकि हो सकता है आपके शुरू 5 आदमी आए। हाँ तो आएगा तो भैया आपको भी तो 10,000-15,000 रुपए देंगे। हाँ कैसे नहीं, सब तो पहले महीने लगा हुआ है। हाँ और इतना जान लीजिए कि यहाँ पे जो कहानी होगा ना। हाँ एक से ऊपर वो लगा, एक से ऊपर आपको इशारा कर दिए। हाँ सर वहाँ समझ गए सर, इसीलिए ना हम आपको बोले सर, मान के चलिए जैसे अभी ये बोलते तो उसी के हिसाब से अपने आप को हम उसको मतलब ढाल लेंगे अपने आप को, हम मेरे पास है कि नहीं होगा तो भगवान बुद्धि दिया है। हाँ सर उसके लिए टेंशन नहीं है सर। एक से ऊपर दूसरे काम, दूसरे काम ना। और बाकी तो हम फोन में नहीं बोलेंगे सर। नहीं फोन में सब ओपन नहीं किया जाता सर, फिर भी बहुत से ज्यादा बोल दिए, ओपन तो करिए दिए। हाँ बहुत है, सही बात हो ही गया है कुल मिला के, लेकिन हम आपके लिए 1 से 2 के बीच में भी बहुत ज्यादा रियायत करने वाले हैं आपको। हाँ पक्का, क्योंकि आपका बात हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ जैसे माध्यम से रहेगा हम सर, जैसे अगर जो हम नहीं भी थोड़ा बहुत फोन भी हो जाएगा, लेकिन मेरे नहीं तो नहीं होगा तो हमसे पैसा ले लीजिएगा उतना नहीं, लेकिन दोस्ती कायम रखिएगा। हाँ सर जरूर 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 जरूर, समझे? नहीं होगा तो बात का बात, देखिए जो अंदर देना तो देना है। ये मंत्री को 2 करोड़ में मेहनत किया गया है। हाँ सर सही बात है, हम जान रहे हैं ना, हम खुद मतलब क्या बोलते हैं रेसिडेंशियल स्कूल चलते हैं विकलांग बच्चों का, जिसमें हम पढ़ाते हैं, समझे सर? बोलिए कि फंड अभी 2 साल से रुका हुआ नहीं, तो सब जगह अभी पैसा का डिमांड है, पैसा दो। कि पिछला 2 साल से जो है ना, हाँ, इधर उधर का सब फंड को काट के कोरोना में दे दिया। हाँ कोरोना में दे दिया। हाँ इधर उधर का सब फंड को काट के उधर दिया। तो भैया सरकार भी तो चलाना है ना, सरकार भी चलाना, सही बात है। तो ये सबको आपको एकदम टॉप लेवल का समझदारी होना चाहिए कि भाई सब ऐसे ऐसे हो रहा है। हाँ। किसको नहीं हो बताइए। अभी 2 साल से कोई चांस है? नहीं सर कोई चांस नहीं है पिछले 2019 का दिसंबर के बाद से। जो परेशानी दे रहे हैं ना लॉकडाउन में, हम लोग जानते हैं, एक बहाली नहीं बताइए तो घर कैसे चलेगा। बहुत मुश्किल हो गया सर, हम लोग का 2 साल से वेतन रुका हुआ, वो भी 7-8 हजार मिलता है, अब भी 2 साल से नहीं मिलेगा तो घर दूरा कैसे चलेगा? अब नहीं चलेगा जब, खैर हम लोग का बाप दादा थोड़ा बहुत खेती बाड़ी है तो मतलब खेती बाड़ी करके जिंदा रह जाते हैं सर। लास्ट में हमको जानते हैं क्या हुआ है, 2020 को बता रहे हूँ, हम 20-30 हजार रूपए खर्चा किया और खेती कराया पूरा। हाँ हाँ 2020 में, 2020 का बात बता रहे हैं, क्योंकि गांव देहात में लॉकडाउन उसमें फर्क नहीं पड़ता है। खेती करा, खेती से मेरा के लिए मेरा तो एकदम भयानक है उधर जमीन ज्यादा, ठीक है? हाँ तो उसी से हमने 5 लाख रुपए का तो धान बेचे। हाँ सर उसी तरह हम जानते हैं 20-30 हजार का भी बेचे धान सर, ज्यादा हम लोग तरफ तो नहीं हुआ। नहीं 2020 में हम लोग के यहाँ तो अच्छा हुआ था।
हाँ धान तो उधर हुआ हो। मेरे यहाँ बहुत अच्छा हुआ था। हम लोग खेती नहीं करते हैं, हम लोग इधर उधर दे देते हैं किसी को, जाओ तुम लोग करो और खाओ, हाँ। हम लोग को मत दो। लेकिन हमको मजबूरी में, हमको 2020 में उतरना पड़ा खेती को, हाँ। और खेती करके 5 लाख घर चला है सर। कीजिएगा सर, कम से कम जिंदा रहे न सर। हाँ मजबूती से खड़ा रहे, हाँ तब मजबूती से खड़ा रहे। 19 में क्या था ना, 2020 का जो पहला लॉकडाउन था, हाँ हाँ, उसमें तो मेरा कमाई तो खत्म, हाँ पूरे खत्म, जीरो नील, हाँ हाँ। तो हम लोग खेती की, नहीं सर बहुत बढ़िया किया, खेती की, खेती करके ही मतलब सब्जी वब्जी सब कुछ, सब खेती की, एक भी खेत खाली छोड़ने नहीं दिए। सबसे ज्यादा देखिए रोटी कपड़ा और मकान का जो बिजनेस करता है ना सर, ये कभी भूखे नहीं मरेगा, जान लीजिए। सही बात है, सही बात है, कभी भूखे नहीं मरेगा। रोटी कपड़ा मतलब खेती मतलब रोटी, उसी तरह से हम लोग अभी उसी से जिंदा है। अगर यदि नौकरी के भरोसा रहते, यहाँ का 8-10 हजार के महीने में भरोसा में रहते, जिंदा रहते हैं। हम कसम से बता रहे हैं ना, हम ना एकदम एकदम भयानक बहुत ज्यादा कंगाली में आ गए थे। मेरे पास ना समय ऐसा हो गया था सर, 2020 में खेती नहीं किए रहते तब तो हम एकदम भिखारी बन जाते, ना बताइए। चलो गाड़ी का EMI भरने का पैसा नहीं था, सही बात है। गाड़ी गाड़ी तनाने पे था, नहीं तनाने नहीं दिए, चेक उक दे के मैनेज किया। हम बोले कि भाई हमको 4 महीने का टाइम दो, हम करेंगे। जाके बोले लो साला गाड़ी रखना है तो रख, क्या करेगा, EMI देने का पैसा नहीं। सही बात है, ये स्थिति हो गया था। मतलब इतना मतलब हम लोग कष्ट में झेले हैं सर। 2019 तो नहीं झेले थे, 19 तो ठीके से राज किए थे, 20-21 और अभी जो है ना, हो सकता है 22 सुधर जाए या फिर हो सकता है 22 और डूबा दे, यही सब बात है। और आपसे विशेष फिर कल चर्चा करते हैं, आप कोशिश कीजिए कल एकदम जल्दी आने का। रिज्यूम रिज्यूम अभी भेज दें सर, हाँ रिज्यूम व्हाट्सएप कर दीजिए और कल आ जाइए। अच्छा तो आपका ऑफिस सर, आप फिरालाल चौक पहुँचिए और हमको फोन कीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूर जरूर, हम वहीं से रिसीव कर लेंगे आपको। जी जी जी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।